Welcome to Thai News Studios. You are watching 4 p.m. Bulletin. वज़ीर आला सिंध जो बदकिस्मती से आप एक कॉम्प्रेस सियासत कर रहे हैं, एक रबड़ स्टैंप के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है और पीछे से उसकी तारे जो हैं वो जरदारी फैमिली के पास उसको रख दी जाती है और वो उस वज़ीर आला को कठपुतली के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध की हैसियत, सूबा सिंध की असम्बली की हैसियत उसको बिल्कुल महदूद कर दिया गया। सिंध को गुज़श्ता 2-3 सालों में कोई 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफ़र हुआ। ये पैसे जा किधर रहे हैं? यहाँ की हालत तो ये है कि 1990 से कराची जैसा शहर जो है वो अपनी पुलिस नहीं बना सका। सिंध जो वो वजीर वफाक बदरां कौम पर सियासत कर रो है। मुराद अली शाह संदस काबीना कठपुतली जिन जो वागू आसिफ अली जरदारी वटा मानू सिंध में गवर्नर राज लागू करण जो मुतालबो कंदा हैं पर आइन में उन जी गुंजाइश ना है। आर्टिकल 140 ए लागू थियण से सिंध के पैंजो हक मिली सके तो। सिंध के 3 साल में 1800 अरब रुपया दिना व्या। ये पैसा किथे पया खर्च थन? सुध समा वाले वफाकी वजीर फवाद चौधरी जो चवण है त सिंध पुलिस वट अहलियत ना है तो या कराची में अमन कायम कराए सके तदें त रेंजर्स के हर साल गरी रकम अदा कई वी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे फवाद चौधरी त सिंध में पानी की खोट सिंध काबीना में वेठल मान की चोरी सबब थी रही है। पंजाब और बिया सूबा चई रहा है सिंध के हिस्से जो पानी दिनों पे वने पर सिंध हुकूमत वावेला कर रही है। असल पानी सिंधी लोगों का, सिंध के अवाम का जो पानी है वो बिलावल हाउस वाले चोरी कर रहे हैं, वो मुराद अली शाह चोरी कर रहे हैं और इनकी कैबिना के अंदर बैठे हुए लोग चोरी कर रहे हैं। ये पंजाब पानी नहीं चोरी कर रहा, सिंध के चंद वडेरे चंद लुटेरे जिनका तमाम जो मकसद ही ये है कि वो अवाम के साथ जातियों भी जातियां कर रहे हैं, वो पानी के ऊपर भी यही कर रहे हैं। आसफ जरदारी साहब और उनकी बहन की जमीनों का पानी तो कभी कम नहीं हुआ। फवाद चौधरी सिंध की निगरानी जा ख्वाब दिसण बंद करे। वफाकी वजीर के NFC की मद में मिलल फंड जो हिसाब वठण जो इख्तियार ना है। आसिफ अली जरदारी खिलाफ गालहण फवाद चौधरी पैंजी नौकरी पकी कराने लाए कर रहे है। सब खबर है तो वफाक वड़े वजीर खिलाफ साजिशों कर रहे है। सूबाई वजीर नासिर शाह जो वफाकी वजीर फवाद चौधरी के जवाब मुर्तजा वहाब चयो तो फवाद चौधरी सिंध में विगोड़ पखेण आयो है। सिंध जो पानी के में वफाक पंजाब रोको है। वफाकी वजीर NFC अवार्ड जो हिसाब वठण बदरा चश्मा जेलम लिंक कैनाल खोलण जो हिसाब दे सिंध पुलिस कराची में खूब जिम्मेवारियों निभाए रही है। नून लीग पीपल्स पार्टी वफाकी बजट के ATM अवाम दुश्मन कॉपी पेस्ट करार दई छो। नून लीग अगवान शाहिद खाकान अब्बासी जो चवण है तो बजट में 383 अरब रुपये जहाँ नवा टैक्स लगाया पाया वन हुकुमरान अवाम जो पेट कटे जाली हदफ पूरा कर चाहन था। अज वफाक इन गाल से भाड़े तो सूबा कम न कंदा तो बजट थी। पीपल्स पार्टी अगवान सलीम आंडीवाला जो चवण है तो PTI हुकूमत के यो पतो ना है तो टैक्स किया उगाड़ो वो है तदें त टैक्स कलेक्शन के नाले से तबाही मचाई वही है। बजट में 27 अरब रुपये जहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस मढ़िया व्या पर हुकुमरान चई रहा है तो अवाम मथा को नओ टैक्स लागू ना ही कर रहे। परदेही वजीर शाह महमूद कुरैशी कलभूषण यादव केस खराब करण जो जिम्मेवार नून लीग के करार दई छो। शाह महमूद कुरैशी जो चवण है तो भारत चाहे तो केस कलभूषण यादव ताई काउंसलर रसाई न मिले। भारत पाकिस्तान के बीहर आलमी अदालत में गेलण चाहे तो। पाकिस्तान अमेरिका के हवाई अड्डा जण जो को इरादो न थो रखे। बहरिया टाउन आरो धरणे का पोए कॉम्प्रेस क्यादत खिलाफ़ क्रैकडाउन जारी। मलीर मां गिरफ्तारी बाद गुम कल जुस्कम अगवान इलाही बख्श बेकक के मुख्तलिफ केसिस में गराब थाने की गिरफ्तारी जाहिर। सुभाने खेस दहशतगर्दी तोड़ अदालत में पेश कर वो। सिंध एक्शन कमेटी के अगवान जलाल महमूद शाह के ड्याम शोरों वाले घर जो घेराव कारकुन जो वो अंग भी पौतल।
हैदराबाद में जिस्म अगवान डॉक्टर न्यास कालानी जो पुट हेमू उर्फ जानी कालानी गिरफ्तार। मटियारी जिले में 6 कॉम्प्रेस कारकुन गिरफ्तार। कॉम्प्रेस क्यादत की गिरफ्तारी ने केसेस खिलाफ सिंध सरापा एहतजाज पढ़ल। मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा। जेयूआई अगवान राशिद महमूद सुमरो कॉम्प्रेस क्यादत के केसिस गिरफ्तारी की मजम्मत करते सिंध हुकूमत सिंध के इज्तमाही शौर के हिसाइन की कोशिश कर रही है। जुल्म खिलाफ आवाज उथारींदड़ खिलाफ दहशतगर्दी का केस दाखिल थियण मुजम्मत जोगो अमल है। सिंध जो बड़ो वजीर मुराद अली शाह अमेरिका जो निजी दौरों मुकम्मल करें कराची वापस पहुंची गयो। मुराद अली शाह की सदारत हेठ मुआशी टीम जो इजलास नए माली साल की बजट फाइनल कई पई। हैदराबाद में इंसानियत लजाइंदड़ वाक्यो। शादी हॉल में मानी खुटन ते पोरियत बेदर्दी सा कतल। इलाके वासन मौजब बासर शख्सियत जी शादी तकरीब दौरान मानी खुटन ते 25 का वधिक मानू कोठड़ी वासी पोरियत थारू शोरो के तशद्दुद करे कत्ल कयो। पुलिस मकतूल पोरियत जो लाश अस्पताल मुंतकिल करे जांच शुरू करे छ। सिंध में ज़रई पानी की खोट खिलाफ़ सिंध सरापा एहतजाज पड़ल। घोटकी जे मुख्तलिफ वाहन शाखुन में पानी खोट खिलाफ़ आबादगारन जो मोमल जी माड़ी में धरणो। शहदादकोट जे मस्तोई शाख में पानी न छड़न खिलाफ़ एसटीपी हारी संघ जे सर ते रैली बाद धरणो हयो वियो। गढ़ी खैरों में आबादगारन सियासी समाजी कारकुनन जो बेगारी वाह पुल ते धरणो। तंगवाणी में पानी खोट खिलाफ़ कौमी अवामी तहरीक तरफा एहतजाजी रैली। मेहड़ में एसयूपी आबादगार जिदोजहद कमेटी पारा पानी खोट खिलाफ 3 किलोमीटर प्यादल मार्च बाद धरणो हयो। वगण शहर लालू राय को बुसैद खान कच्ची पुल मलकानी शरीफ सांगी बिन हंधन से भी पानी खोट खिलाफ धरणा। आबादगार चवण है पानी खोट सबब हजारे एकड़ जमीन बंजर बन वही। आबादगार मौशी कतलेआम है। उमरकोट के शहर कुंदरी वेझो भेण की लज बचाण दौरान बेदर्दी से कत्ल थियल पोरियत भेरू कोहली की बिन्हीं दिनों तदफीन। घर में कोहराम मतल। बदी अगु गोट गुलाम रसूल आराई में पैंजी भेण के बचाईंदे मजामत से भेरू कोहली मार्च पो। शेख भिरक्यो भरसा शाख में मिट्टी खण दौरान भिक किरण सबब माओ पुट दबजी फौत। गोट हाशिम पवर में शाख में मिट्टी खण दौरान मिट्टी की भिक किरण सबब गोरारी औरत धनी कोहली संदस 5 वर जो पुट राजेश दबजी फौत थी वया। कैनेडा में दहशतगर्दन हथा कत्ल थियल पाकिस्तानी कुटुंब के भातिन के ओंटारियो में तदफीन। जनाजे नमाज में बड़े अंग में मानू की शिरकत। फिजियोथेरेपिस्ट सलमान सनस अमर घरवारी धी के एक दहशतगर्द ट्रक सांची भाटे छो। सकरण भरसा मच्छी मारण दौरान गोठाणन के नायाब नस्ल की अंधी बुलण हथ अची वही। इतला ते वाइल्ड लाइफ अमले के इतला दिनों वो पर उन बावजूद वाइल्ड लाइफ अमलो अंधी बुलण के रेस्क्यू करण लाए न पहुंतो। अंधी बुलण ढण लाए मानू जो वो अंगु गड थी वो मानू तस्वीरों ठाईंदा रहा। नसीराबाद में रोडन जो कम मुकम्मल न थियण खिलाफ़ ठेकेदार जो अलामती जनाजो कढ़ी अनोखो एहतजाज। पीपी शहीद भुट्टो के सर से ठेकेदार जो अलामती जनाजो खड़ी आर्थर वाह में उछलो वो। मुजाहरीन जो चवण है मुख्तलिफ गोठन में रोड अण पूरा पर ठेकेदार गायब है नोटिस वरतो वे। मुल्तान पो वा परदेही वजीर शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करे नौकरी वठंदुस। उमरकोट वासी बेरोजगार नौजवान अली राहिमू साइकिल से मुल्तान रवानो। टाइम न्यूज से गलाइंदे नौजवान चयो तो हु अगु भी मुल्तान वनी चुको है। बेरोजगारी सबब खेस धिक्का खाना पवन था।